आपका एक्सीडेंट की वजह से यू सफर्ड द डिसेबिलिटी। 2007 के अंदर आपका एक्सीडेंट हुआ था, इट वाज अ रोड एक्सीडेंट। जी बिल्कुल, वो एक रोड एक्सीडेंट था। कोयटा से रेमिया खान जा रहे थे तो गाड़ी खाई में गिर गई। उसमें यह था कि क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है बलोचिस्तान में, तो चलती हुई एक सीधी रोड पर एकदम खाई आ गई और इस तरह गाड़ी खाई में गिर गई। तो उसकी वजह से मुझे काफी चोटें लगी, जिसमें हाथ की भी हड्डियां टूट गई, रिब केज टूट गया, शोल्डर बोन कॉलर बोन टूट गई थी, मेरी बैक के 3 मोरे खत्म हो गए थे बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पैरालिसिस हो गया, इट वाज लोअर लिम्स पैरालाइज्ड हैं। तो उसके बाद फिर हमें डेरा लाया, एक हॉस्पिटल में लेकर चले गए, वहां पर फर्स्ट एड नहीं थी। फिर फाइनली आगा खान में रही मैं काफी महीने, फिर सर्जरीज हुई तो काफी फिक्सेशन वगैरह की गई वहां पर। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके नाउ। हमारे ट्रैफिक के मसले में हमारा सेटअप इतना बेवकूफ है बिल्कुल, के जी भाजी ऐसा रहो और डर दे भाजी। नहीं मगर ये बात बिल्कुल सही है कि रोड एक्सीडेंट्स इन पाकिस्तान एक बहुत मेजर कॉज ऑफ डेथ है। भाजी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट हो रहे हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर आप उस पेशेंट के साथ क्या करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, डेरा अला यार में हर इंसान ने कोशिश की गाड़ी को सीधा करके मुझे बाहर निकालने की, उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर उस मदद से जब उन्होंने मुझे खींच के निकाला क्योंकि 3 मोहरे नहीं थे तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल खत्म हो गई। वो अपनी तरफ से अच्छाई कर रहे थे मगर वो अच्छाई मेरे लिए मुश्किल पैदा कर बैठी वो अच्छाई। तो लोगों को ये बताना, जब भी आप किसी इंसान को किसी एक्सीडेंट में देखें और बेहोश देखें या होश में ना देखें तो आप उसको हाथ मत लगाएं। उसकी रीजन ये होती है कि अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उसको अगर आप तकिया भी देते हैं और उसको सर्विकल इंजरी है तो वो हाथों से नीचे पैरालाइज हो जाएगा। ये इतना ट्रिकी है जिसके अंदर हमें खींच के निकाला जाता है। तो आई होप कि सिस्टम कुछ इस तरह बेहतर हो जाए कि हमारे यहाँ फर्स्ट एड अवेयरनेस, डेरा अला यार में देयर वाज नो फर्स्ट एड। तो जब मेरा हाथ टूटा, बिकॉज दोनों हड्डियां टूट गई थी तो वो यहां से टूटा हुआ था, अब हम जब हॉस्पिटल करीब गए तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, ये यू नो ये मर जाएगी, इसको यहाँ से ले जाएं। तो मुझे भी याद है कार्टन के गत्ते पड़े थे, तो उन्होंने वो कार्टन के गत्ते दुपट्टे से बांधे और कहा इसको ले जाएं। मुझे अब मैं जिंदा हूं, मुझे खुद पे अफसोस नहीं, मुझे मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ऐसी जगह पर बच्चे किस तरह पैदा किए जा रहे हैं, वहां पर औरतें किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, वहां बच्चों को फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो एक डेरा अला यार का एक सिविल हॉस्पिटल था जिसका ये हाल है। लेकिन अब मैं गिला शिकवा इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है वहां के हालात खराब है, मैं दोबारा कभी बलोचिस्तान नहीं गई, मैंने उस शहर के लिए कभी कोई काम नहीं किया, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बुराई करूं यहाँ पर बैठकर इस वक्त। ये हम सब ने करना है।